आज हम बनाएंगे हेल्दी और सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है भाई, सच में ही। और बनाना भी बहुत ही आसान है इसे। और जब आप बना करके खाएंगे ना सेम इसी तरीके से, तो सच में ही आपको मज़े आ जाएंगे, क्योंकि ये होता ही इतना ज़्यादा टेस्टी है। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट, वो भी हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप चाहे तो इसे चिली भी कह सकते हैं या पैनकेक भी। तो नाम तो आप चाहे जो भी दीजिएगा, लेकिन है तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी हमने लिए सूजी। यानी तीनों ही, जो ये तीनों चीज़ें हैं, ये सेम क्वांटिटी में हमने ली हैं। इनके अलावा हमने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं। ये है 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 1 बड़े साइज़ का प्याज और 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च। इनके अलावा 1/2 चम्मच अजवाइन है और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। भाई बहुत ही क्रिस्पी तभी तो बनेंगे ना ये। तो चलिए करते हैं आगे की तैयारी। हम यहाँ पर ले लेंगे 1 बड़ा बाउल, उसमें ऐड कर लेंगे आटा, सूजी और बेसन, और साथ ही में ऐड कर लेंगे बेकिंग पाउडर, अजवाइन और ये कटी हुई सारी की सारी सब्जियाँ। आपके पास इन सब्जियों के अलावा अगर बीन्स है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर मटर वगैरह है तो भी ऐड कर सकते हैं। और ये है 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच से ज़्यादा धनिया, 1/4 चम्मच किचन किंग और 1/4 चम्मच सब्जी मसाला। और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी यहाँ पर ऐड करेंगे और एक बहुत अच्छा बैटर तैयार करेंगे, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा पतला होगा और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो धीरे धीरे हम पानी ऐड करेंगे, और जैसे हम चीले बनाते हैं ना, जैसे उसके बेसन के चीले बनते हैं, तो वो तो थोड़ा पतला हमें रखना पड़ता है उसका बैटर, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल पतला बैटर नहीं रखेंगे। थोड़ा सा पतले से जो गाढ़ा हो ना, वो वाला बैटर, जैसे कि सेम आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो बस अब हम करेंगे आगे की तैयारी, यानी अब हम बनाएंगे अपना हेल्दी और टेस्टी, नहीं सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पैन भी हो चुका है गरम, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पहला वाला जो हम यहाँ पर चीला तैयार कर रहे हैं ना, चाहे आप चीला कीजिए या पैनकेक, तो उसके लिए हमें यहाँ पर रखना पड़ता है 2 चम्मच। बाकी उसके बाद तो जब आप नेक्स्ट बनाएंगे सेकेंड और थर्ड नंबर का, तो 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल ही काफ़ी है। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 से 2.5 करछी बैटर। और भाई ये तो डिपेंड करता है आपको कितना साइज़ पसंद है। अगर आपको बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं बैटर, और अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम लीजिएगा। और बस इसे ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा चम्मच से जो ये फैल रहे ना, इसे इकट्ठा कर लेंगे और एक अच्छी सी शेप दे देंगे। और फ्लेम को रखेंगे बिल्कुल लो, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फ्लेम मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो ही रखी है, और लो ही फ्लेम में इसे अभी हमें कुक करना है। और अब हम इसे ढक देंगे 1 बड़े बर्तन से और पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम में नेक्स्ट 2 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम में नेक्स्ट 2 मिनट के लिए। तो मेरे पास यहाँ पर थाली है, तो देखिए ये जो कॉर्नर है ना, बिल्कुल वहाँ पे थोड़ा थोड़ा तेल भी आ रहा है, तो कोई बात नहीं, वो कोई इशू नहीं है। तो हम इस तरह से इसको 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। और अब ठीक 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए ऊपर से भी कितने अच्छे से भाप से ये कुक हो चुका है ना। अगर हम इसको नहीं ढकते ना, तो ऊपर साइड जो होती है ये कच्ची रह जाती है, और जो निचली साइड होती है वो पक जाती है। इसलिए हम यहाँ पर थाली से इसे ढकेंगे, जो कि 2 मिनट में ही फर्स्ट क्लास हमारी ऊपर से अच्छे से ऑलमोस्ट आधी तो कुक हो चुकी है। और अब जब हमने इसे पलट लिया है, तो पलटने के बाद भी हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम में 2 मिनट तक कुक होने देंगे, लेकिन अब बिना ढके हुए, अब हमें ढकने की ज़रूरत नहीं है। तो बस लो फ्लेम में हम 2 मिनट तक इसे पकने देंगे, फिर हम इसे पलट लेंगे। और अब निचली साइड से भी कुक होते हुए इसे ठीक 2 मिनट हो चुके हैं। तो हमने अब इसे देखिए पैन से बिल्कुल अलग कर लिया है, क्योंकि अगर हम गीले में अलग करते हैं ना और सेंटर में इसे रखते हिला करके, तो ये टूट सकता था, क्योंकि उस टाइम पर ये कच्चा था ना। लेकिन अब हमने इसे बीचों बीच रख लिया है, और अच्छे से दोनों साइड से हम सेक लेंगे, जब तक कि इसका कलर बहुत अच्छा नहीं आ जाता, जैसे कि गोल्डन ब्राउन, और बहुत ही सुंदर पैचेस इसमें दिखने लगते हैं ना, सेम उसी तरीके से ये देखिए। तो दोनों साइड से अच्छे से मैंने इसे सेक लिया है, और कितना सुंदर इसका कलर आया है, और भाई खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो बस सेम तरीके से एक एक करके हम सारे के सारे यहाँ पर ये चीले तैयार करते जाएंगे, जिन्हें कि हमने बनाया है आटा, सूजी और बेसन को मिला करके, है ना भाई बड़ा हेल्दी। क्योंकि खाने में ना जो सूजी का करारापन आता है ना, उसमें तो बहुत ही मज़ा आता है, और साथ ही में जो बेसन की खुशबू और आटे की खुशबू आती है, वो तो लाजवाब होती है।
और बस इस चीले को भी बनाने के लिए हमने यहाँ पर तकरीबन 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल रखा है और फिर बैटर अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। और अब लो फ्लेम में हम ढककर के रख देंगे इसे कुक होने के लिए नेक्स्ट 2 मिनट के लिए। और ठीक 2 मिनट बाद देखिए ये भी है बिल्कुल हाफ कुक हो चुका है, यानी ऊपरी साइड से देखिए कितने अच्छे से भाप से ये पक चुका है। तो इसको अच्छे से क्रिस्पी बनाने के लिए और पूरी तरह से कुक करने के लिए हम पलट करके रख देंगे और लो फ्लेम में उसे कुक होने देंगे बिना छेड़े पहले। और जैसे ही वो कुक हो जाएगा तो दोनों साइड से अच्छे से सेक करके तैयार कर लेंगे। देखिए है ना कितना लाजवाब और कितना टेस्टी, बहुत ही आसान है ये वाले चीलों को बनाना। पहले हम 2 मिनट के लिए पकाते हैं लो फ्लेम में ढक करके, और फिर जब हम ढक्कन को हटाते हैं तो फिर उस ऊपरी वाली साइड को भी पलट करके लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। ठीक 4 मिनट बाद फिर बस हम जैसे पराठा सेकते हैं सेम इस चीलों को दोनों साइड से अच्छे से सेक करके कर लेते हैं तैयार। भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। जब कभी यहाँ तो ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, हमारा तो जब मन करता है ना तो रात को भी हम डिनर में कई बार यही पका करके खा लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वाद होते हैं, हेल्दी भी होते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल भी नहीं लगता। आप देख ही रहे हैं हार्डली कुछ ही स्पून यहाँ पर डालने पड़ते हैं, 1.5 से 2 चम्मच में एक चीला बन करके तैयार हो जाता है। और अगर आपको ज़्यादा तेल पसंद है तो आप चाहे तो 3 चम्मच या 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। और ये हो चुके हैं अब एक एक करके हमारे फाइनली सारे चीले तैयार। तो है ना कितने ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। और अब हमने यहाँ पर सर्व कर लिया है अपने हेल्दी और सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट को, और हम तो भाई लगे हैं इन्हें खाने हरी चटनी और गरम गरम चाय के साथ। और वैसे भी सुबह सुबह जब गरम गरम चाय के साथ ये गरम गरम चीले खाने को मिल जाएं टेस्टी से, तो भला किसको मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी जरूर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।